माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ विद माय क्रोशिया एंड धागा। और दोस्तों, ये जो मैं बना रही हूँ ये गोलाकार एक ओढ़ने के लिए, गणेश जी को रात को ओढ़ाने के लिए बना रही हूँ। ये मैं जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगी। और फिलहाल बज रहे हैं 4, शाम होने वाली है, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले कि ब्लॉग को हम आगे बढ़ाएं, मैं जल्दी से चाय बना के ले आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ जो कल बुक्स में लेके आई थी, वैसे तो मैंने आपको दिखाई दी थी। सो गाइज, ये रही मेरी चाय की कप और एक दो बिस्किट के साथ खाने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ठंड लग रही है और खाली खाली चाय भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। और चाय पीने के बाद सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि ये जो मैं घेरा ये बना रही थी वो बनाने के बाद दिखा दूंगी कैसा क्या बन रहा है, ये कंप्लीट कर लेती हूँ। और ऑलरेडी टाइम हो चुका है 4:45 यानी कि 4:45, तो 5 बजे तक चाय पानी पी लेती हूँ मज़े से। उसके बाद आधे घंटे मैं करूँगी बुक रीडिंग और 5:30 बजे आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास बहुत ढेर सारा काम है। तो फिर आपसे मिलती हूँ और आपको अपडेट देती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारे गणेश जी के ओढ़ने के लिए जो है गोल चादर बन गई है, ब्लैंकेट। ये बहुत ही मोटा ऊन था ये नीला वाला और किनारे से मैंने थोड़ा सा रेड लगा दिया है, तो क्योंकि वो टोकरी सी है जिसपे वो सोते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल, ये इसकी बैक साइड और ये गोल, थोड़ा सा झोल आ गया बीच में बट ठीक है, ओढ़ने के लिए बढ़िया से ये बन गई है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ना कंघी हुई, ना मुँह पे कुछ लगाया, घर के कपड़ों में बैठी हुई हूँ शॉल ओढ़ के और ये क्रोशिया पकड़ा हुआ है मैंने, ब्लैक कलर की ड्रेस बना रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। देखिए, 12:44 हो चुके हैं और अभी तक मेरा बहुत सारा काम हो चुका है, ऑफिस का बहुत सारा काम। आज मैंने घर के कपड़ों में घर पे ही बैठ के कर डाला और एक आधी अधूरी ड्रेस भी बना डाली मैंने। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़े सेल करती हूँ, उस पर मेरा ऑनलाइन एक स्टोर है, उस पर हमने 1 घंटे काम किया, जो मुझे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव दी हुई है उनकी टीम ने, इट्सी वालों ने, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और हमने बहुत सारे नए प्रोडक्ट उस पर ऐड करे, कीवर्ड्स लगाए, मतलब फुल ऑन मैं काम कर रही हूँ 10 बजे से लेकर के अभी 1 बजने को हो गए तब तक। लेकिन अब क्योंकि 1:30 बजे मुझे रायना को लेने जाना पड़ेगा तो मैं सोच रही हूँ कॉम वगैरह कर लेती हूँ, उसको लेकर के आ जाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको करा देती हूँ आज के लड्डू राधा मुरली के दर्शन, क्योंकि अभी तक मैंने आपको उनके दर्शन नहीं कराए हैं। और उसके बाद मैं सीधे मिलूंगी आपको रायना को स्कूल से घर ले आने के बाद, या फिर मैं उसके बाद ऑफिस जाऊंगी 3 बजे ऑफिस पहुंच के। तो चलिए लड्डू राधा मुरली के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, बोलिए राधे राधे, क्योंकि राधे राधे बोलने से श्याम हमारे कृष्ण जो हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे पहले मुरली की ही बारी आती है क्योंकि वो सबसे स्टार्टिंग में बैठे होते हैं मुरली जी हमारे। और ये है हमारे लड्डू बाबू, राधा रानी और गणपति जी। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस और 3 की जगह 4 बजने वाले हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आजकल मैं डेली की एक चेकलिस्ट बना देती हूँ कि आज मुझको मेन घर के कामों को छोड़कर के और कौन कौन से काम करने हैं, और एंड ऑफ द डे मैं उन पर टिक मार्क करती हूँ कि कौन कौन से मेरे काम हो गए हैं, और लास्ट में अपने आप को उस पर मैं नंबर देती हूँ कि अगर मेरे 10 काम थे उसमें से कितने काम हो गए। जैसे टेस्ट पेपर मिलता है ना 10 मार्क्स का, तो उस पर से कितने नंबर आए, इतने में से इतने, ऐसे करके। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, जैसे देखिए, मैं काम नहीं दिखाऊंगी आपको, अभी आपको उल्टा दिखेगा पर कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 13 कामों की लिस्ट बनाई थी कल, जिसमें से मैंने 8 काम किए, तो बाकी मैंने कट कर दिया और जो जो काम होते गए उस पर मैंने राइट का साइन कर दिया। तो कल मैंने 8 नंबर कमाए 13 में से, और उसके पिछले दिन मेरे पास मैं देखिए 12 कामों की लिस्ट थी और 12 कामों में से भी मैंने 8 किए थे। तो मतलब जितने मेरे पास काम हैं मैं उतने काम नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत दुख की बात है दोस्तों। और आज की चेकलिस्ट क्या है वो मैं आपसे थोड़े देर के बाद बात करती हूँ तो बताऊँगी, और अभी मिलती फिर आपको थोड़ी देर में, क्योंकि 4 बजने वाला है और 4:30 बजे से पहले एक बार मुझे घर जाना है दोबारा से चाय बना के लेके आने के लिए, ताकि मम्मी भी पी लेगी
तो जल्दी से थोड़ा सी मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को 2-3 घंटे बैठ के जम के यहाँ पे काम करना है। फिर आपसे मिलती हूँ अपनी चेकलिस्ट के साथ साथ, और क्या क्या काम है उसमें से कुछ कुछ मैं आपको दिखा भी दूंगी, सारे नहीं दिखाऊंगी लेकिन दोस्तों। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ अपनी चेकलिस्ट के साथ आज की। तो ये है मेरी आज की चेकलिस्ट, और आज मेरे पास है 11 काम जो मेरे को करने हैं। दोबारा से बार बार रिपीट करती हूँ, इसमें घर के काम इंक्लूड नहीं है, राइट। तो इन 11 में से मैं 2 काम सिर्फ अभी तक कर चुकी हूँ, और तीसरा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही थी, एक ब्लैंकेट बना रही हूँ जो मैंने आज इट्सी पे अपलोड किया है, क्योंकि वो वाला जो ब्लैंकेट था वो तो मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए था, उनके पास भी ना कोई ब्लैंकेट नहीं था, तो एक मतलब इस बहुत दिन से उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था मैंने, तो उनके लिए बनाया। और तो अब मैंने अगर उस पर अपलोड कर दिया है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे बनाना भी पड़ेगा। अगर कोई ऑर्डर आएगा तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं मेरे पास है नहीं, या फिर मैंने तो ऐसी फोटो डाल दी थी, तो ये ब्लैंकेट बना रही हूँ मैं। तो मुझे लगता है इसको बनाने में मुझे आधा घंटा लगेगा, तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, और क्या बोलूँ यहाँ पे यार। नहीं, बने मत रहिए दोस्तों, इसी क्लिप के साथ में जो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड, इसको बनाते बनाते। और आपसे अब मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। What if we could plan it out? Cover for a week, pass for a day, ooh-wee-wee. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am, yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach.